झारखंड में घुसपैठ की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता दिल्ली गए हुए थे, ईसीआई गए और वहां पर शिकायत भी दर्ज की है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे। बातचीत करेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। ईसीआई गई, बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां पर शिकायत दर्ज किए हैं। उनका कहना है कि वोटर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संथाल परगना के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर वोटर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहां पर अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए, ये बेबुनियाद आरोप, बिना सिर पैर का निराधार बातें, चूंकि कोई मुद्दा नहीं है। इतना लोकप्रिय, इतना मजबूत मुख्यमंत्री, इतनी मजबूत सरकार, उसके खिलाफ क्या आवाज उठा पाएंगे ये लोग? तो एक मुद्दा घुसपैठ, घुसपैठ को मुद्दा ये इसलिए बनाना चाहते हैं कि उसमें एक धार्मिक पुट आ जाता है, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, मुसलमान, बांग्लादेशी, इस तरह की बातें बोल के वो धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जबकि वैसा कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा है तो पिछली सरकार, जो हाथी उड़ाने वाली आपकी सरकार थी, आंकड़े बताते हैं कि उस समय भी हुआ इन्फिल्ट्रेशन। अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ, घुसपैठ हुई, पिछली सरकार हो, ये सरकार हो, जिम्मेवार कौन है? सीमा सुरक्षा बल क्या हेमंत सोरेन जी के अधीन है? क्या क्या झारखंड की पुलिस खड़ा होकर रोकेगी? इसका जवाब बाबूलाल जी से ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, बाबूलाल जी जो भी कवायद कर रहे हैं, दिल्ली गए थे, दिल्ली का दौरा, उनका अपना व्यक्तिगत जो दावेदारी है यहाँ के नेतृत्व की, चेहरा बनने की, उसके लिए गए थे। चूंकि प्रभारी महोदय ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दे दिया है कि बाबूलाल नाय चलतो, तो बाबूलाल नाय चलतो, तो बाबूलाल जी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं फिर बाहर का रास्ता या किनारे न लगा दिया जाए। इसलिए अब दिल्ली गए तो ईसीआई भी चले गए, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिए, अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाए कि कुछ मुद्दा बने। लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि बाबूलाल जी इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपके मुख्यमंत्री आसाम के आते हैं और वो बोलते हैं कि ये समस्या आसाम में भी है, त्रिपुरा में है, बंगाल में है, और आसाम और त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते ही घुसपैठ झारखंड में हो रही है, तो वहां आपकी सरकार दोषी नहीं है आसाम में, और यहां हेमंत सोरेन दोषी हो गया इसलिए कि आदिवासी का बेटा है, एक बेहतर शासन कर रहा है, यहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह उन्हें प्राप्त है, इसलिए इसलिए कि वो राजनीतिक रूप से मजबूत है। तो ये बेबुनियाद बातें बाबूलाल जी करना छोड़ दें। भाजपा उनसे अब पिंड छुड़ाना चाह रही है और जो भी हाथ पैर वो मार रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्थिति अपने पार्टी के अंदर थोड़ा मजबूत कर लें, इसलिए है, और कुछ नहीं। बाबूलाल मरांडी ने एक बात का जिक्र किया, उनका कहना है कि 2019 से 2024 तक अगर 10% बढ़ोतरी होती वोटर्स में तब ये सामान्य होता, लेकिन उससे ज्यादा हो रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ी है। तो सरकार आने वाले समय में क्या कुछ पहल करेगी, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो क्या आप लोग इसको लेकर विरोध करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जो बातें ये लोग कर रहे हैं, कुछ बातें उठी थी कि आधार कार्ड कैसे बन जा रहा है, मैंने आप सरकार, राज्य सरकार, अरे राज्य सरकार आधार कार्ड बनाने में राज्य सरकार की क्या भूमिका है? कुछ भी नहीं, केंद्र की एजेंसी बनाती है। वोटर कार्ड, वोटर कार्ड निर्वाचन आयोग की देखरेख में, निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन से बनता है, उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? घुसपैठ भी आप करा रहे हैं, वोटर कार्ड भी आप बनवा रहे हैं, आधार कार्ड भी आप बनवा रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं। अरे CAA, NRC, कई तरह की बातें आपने की थी, आसाम चुनाव के समय पहली बार हमने सुना था, और ये कुछ धरातल पर उतरने नहीं जा रहा, अव्यवहारिक कानून है ये सब। लेकिन इन लोगों ने इसके नाम पर भी बरगलाने का काम किया देश की जनता को। आपके पास बहुत मैकेनिज्म है, बहुत सारे साधन हैं, बहुत एजेंसियां हैं, आप घुसपैठ की समस्या को रोकिए, उसका निराकरण कीजिए, यह केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। कल से मानसून सत्र आहूत है, 6 दिनों का कार्य दिवस होगा, कई सवाल उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रणनीति भी बनाई गई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ रोजगार के साथ साथ जो आप लोगों के घोषणा पत्र में तमाम चीजों का उल्लेख किया गया था, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सदन के पटल पर अपनी बात को रखेगी। आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, बहुत कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, चूंकि कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, एक तैयारी हम लोगों की है कि झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, बजट में कोई स्थान नहीं मिला, सिर्फ 2 राज्यों का बजट, आम बजट जो आया देश का, वो 2 राज्यों का बजट था। झारखंड जैसा राज्य जहां से सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, और उसे आपने ठगने का काम किया,
तो सामने चुनाव है, झारखंडी भूलते नहीं हैं, झारखंडी बदला लेंगे आपके इस सौतेलेपन का। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों के पास मुद्दा है। अगर घुसपैठ की बात उठेगी सदन में तो हम लोग भी साथ देंगे उनका, और हम लोग मांग करेंगे गृहमंत्री का इस्तीफा हो जो दोषी है, और मुझे लगता है उसमें सहयोग उनको करना चाहिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत सौगातें मिली, आप लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार सत्ता बचाने के लिए इस तरीके का बजट लेकर आई है, ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ दो राज्यों को फोकस किया गया है? क्या कुछ आपको लगता है कि फायदा होने वाला है बीजेपी को, क्योंकि सरकार उनकी? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, ये पूरी तरह से ये बजट सरकार बचाने की बजट है। उनको अल्टीमेटम दिया जा चुका था नीतीश कुमार जी के द्वारा और आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू, अगर ये नहीं लाते तो सरकार गिर जाती। तो ये सरकार बचाने की कवायद है, और सरकार बचाने के क्रम में अन्य राज्यों के हितों पर कुठाराघात किया गया। झारखंड जैसे गरीब राज्य को आपने कुछ नहीं दिया, कोई योजनाएं, नई योजनाएं, रेल परियोजनाएं कुछ नहीं दिया आपने। आप उतना तो छोड़ दीजिए, विशेष राज्य की मांग हम लोग कब से कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया इस बजट में उसका ही प्रावधान कर देते, वो मुझे वापस कर देते, वो भी आपने नहीं किया कि पेट पर लात आप बोल सकते हैं। हमारे हक अधिकार को छीनने का काम केंद्र की सरकार ने किया। अलायंस की सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए, अब कुछ महीने बचे हुए हैं, जितने आप लोगों के घोषणा पत्र में थे, जो मैनिफेस्टो में था, उसको कैसे पूरा कीजिएगा इस 4 महीने के अंदर? देखिए, हम लोगों ने बेहतर शासन व्यवस्था दिया हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। उनकी लोकप्रियता से घबराकर ही केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया, 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा हमारे नेता को। हम बेहतर काम कर रहे हैं इसका सर्टिफिकेट जनता देती है, और जनता ने दिया। जितने भी उपचुनाव हुए, एक को छोड़कर सभी उपचुनाव हम जीते। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा, हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। वो 12 से 9 पर आ गए, हम 2 से 5 पर आ गए। तो ये जताता है कि लोकप्रियता बढ़ी है, सरकार पर विश्वास बढ़ा है, और विधानसभा चुनाव में तो आंधी चलेगी, आंधी और सुनामी। सीट शेयरिंग को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहे जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक पोड़ैया हाट और मांडू को इंक्लूड करके, क्योंकि 2019 में 31 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार कॉम्प्रोमाइज करेगी, या फिर ज्यादा सीटों पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा पेश करेगी? देखिए, बात कॉम्प्रोमाइज की नहीं है, बात जब सीट शेयरिंग की होगी तो एक तो फॉर्मूला सेट है, उसी में कुछ फेरबदल ऊपर नीचे होगा। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ी बात है, और इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं निसंकोच ये बोल सकता हूँ कि जनाधार हमारे पास ज़्यादा है, राज्य में बड़े भाई की भूमिका में हम होंगे, और इन बिंदुओं पर चर्चा होगी गठबंधन जब की बैठक होगी आला नेताओं की, और अंतिम निर्णय तो हेमंत सोरेन जी को, गुरु जी को लेना है। लेकिन मुझे लगता है इस बार पिछली बार की तुलना में हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत है, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इनफैक्ट अलायंस की सरकार की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आएगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। और भी कई मुद्दों को लेकर हमने मनोज पांडे से चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।